क्रिकेट का सबसे बड़ा टकराव ढाई घंटे बाद काउंटडाउन शुरू। ग्रीन शर्ट्स के लिए आज डिडाई और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान को सुपर एट तक रिसाई के लिए भारत से जीतना जरूरी। चाहिए अमरीकियों का बदला भारतीयों से लेने को तैयार। बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग के साथ असाब का भी होगा इम्तिहान। हवास पर रखना है काबू, नहीं होना परेशान। पेस बैटरी हो जाए चार, स्पिनर भी बुन ले अपना जाल। बनना है भारतीय बल्लेबाजों के लिए बवाल। पाकिस्तानी बैटर्स को भी चलना होगी बाजी जीतने की चाल। एक जान होकर खेलेंगे तो जीतेंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज टकराव। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीयों के लिए तारीखी लम्हात। रिवायती हरीफ पहली दफा अमरीकी सरजमीन पर आमने सामने होंगे। 34,000 की गुंजाइश वाला स्टेडियम होगा हाउसफुल। नसाउ काउंटी स्टेडियम फास्ट बॉलिंग के लिए जन्नत। इब्तदाई 4 मैचेस में पेसर ने 45 बैटर्स को पवेलियन चलता किया, जबकि स्पिनर्स के हिस्से में 10 विकेटें आईं। मैच में बादल भी एंट्री देने को तैयार। मैच शुरू होने के आधे घंटे बाद बारिश के 51% इम्कान। रवा माली साल अहम मौशी अहदाफ के हसूल में नाकामी। इक्तिसादी और सनअती तरक्की, महंगाई, छोटी फसलों और बिजली के पैदावारी अहदाफ पूरे ना हुए। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे 11 जून को जारी किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात के बारे में ब्रीफिंग देंगे। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम न हुई। इक्तिसादी तरक्की 3.5 के बजाय 2.4% रहने का तखमीना। छोटी फसलों की पैदावार 3.09%। माहीगीरी की पैदावार 3.08%। सनअती शोबे के 3.4 के बजाय 1.2% रिकॉर्ड। दरामदी बिल 58 अरब रुपए डॉलर के बजाय 55 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना है। सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। जल्द शाहिद खाकान अब्बासी की पाकिस्तान अवाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज थे। लाहौर में कई मरतबा क़याम के दौरान नज़रअंदाज किया गया। सिंध की तंजीमी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गईं। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि नून लीग की आला क़यादत ने सिंध के मामलों में कभी राय नहीं ली। लीगी क़यादत हमेशा सिंध के मामलों में चंद पार्टी रहनुमाओं को तरजीह देती रही। नून लीग के नामुनासिब रवैये की वजह से दिलबर्दाश्ता होकर पार्टी छोड़ रहा हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर पार्टी सदर नवाज शरीफ और वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान थे। जमात इस्लामी ने हतक इज्जत कानून को मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि रात की तारीकी में काले कानून को मंजूर किया गया। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इसमें बराबर के शरीक हैं। सिया कानून के खिलाफ सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और तमाम मकातबे फिक्र से मुशावरत करेंगे, पुरअम सियासी और जमहूरी मज़ाहमत करेंगे। और ईद कुर्बान की आमद आमद मवेशी मंडियों की रौनक दुबाला। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। छुट्टी के रोज़ गहमा गहमी, व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज़। शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा, कहते हैं कुर्बानी का फरीजा अंजाम देना चाहते हैं मगर कीमतें आसमान को छू रही हैं। व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि 3 साल देखभाल की जानवरों को महंगी खुराकें खिलाई हैं, कम कीमत पर जानवर बेचना मुमकिन नहीं। कदकाट, वजन, नस्ल और खूबसूरती के लिहाज से बैलों के लिए 3 से 40 लाख रुपये की डिमांड। बकरी और छतरी 1.5 लाख से कम में देने को तैयार नहीं।